कई लोग मुझे पूछते हैं महाराज से वोटिंग के लिए आपकी राय क्या है, जिस गाड़ी के पीछे तू बैठता है और तू पूरा जीवन जिसको दे देता है, वो गाड़ी के ड्राइवर तू कैसा पसंद करेगा? नंबर एक सुविधा देगा वो कि सुरक्षा देगा वो? आपको मैं पूछना चाहता हूँ, गाड़ी का ड्राइवर कैसा चाहिए जो सुविधा दे वो कि सुरक्षा दे वो? बराबर है, 5 साल से इस देश की गाड़ी को जिस ड्राइवर चला रहा है वो ड्राइवर ने शायद कितनी सुविधा दी मुझे मालूम नहीं, मगर सुरक्षा देने में ड्राइवर कहीं कमजोर नहीं हुआ। मे बी पॉसिबल ये ड्राइवर कभी कभी गलत फहमी के कारण मंजिल तक जाने में थोड़ी देरी लगा सकता है, किसी और गली में निकल गया और आपको लगा ये गली नहीं हमारी तो वो गली है, खैर भूल गया था मैं, गलती से इस गली में आ गया, मगर मैं रिवर्स में ले लूंगा और फिर आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा। मगर एक बात तो पक्की है, हमारी गाड़ी पर कोई भी अटैक कर पाएगा आपको मैं खरोच भी नहीं लाने दूंगा, ये दावा मैं कर सकता हूं। और ऐसे ड्राइवर 5-5 साल से जब गाड़ी सेफ साइड से चला रहा है, 130 करोड़ की आबादी को सुरक्षा प्रदान करता है, तब मैं इतना कहूंगा गाड़ी चेंज मत करना, इससे भी ज्यादा है ड्राइवर कभी चेंज मत करना। ड्राइवर तो वो ही होना चाहिए जो सुरक्षा की गारंटी दे दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, बारडोली में नरेंद्र भाई का सुबह 5:30 बजे फोन आया, मैंने सोचा भी नहीं था अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे, और जब मैंने नरेंद्र भाई को कहा, नरेंद्र भाई आपने एक बात तो कमाल कर दी है कि हिंदुस्तान में कहीं भी आग लगती है आप फायर ब्रिगेड बनकर पहुंच जाते हो, आग लगी नहीं और आपने बुझा दी नहीं, मेरी ओर से आपको लाख लाख धन्यवाद। तब नरेंद्र भाई ये कहना था, महाराज साहब मैं आपसे वो धन्यवाद का शब्द नहीं चाहता हूँ, ये नरेंद्र भाई का कॉट करता हूँ आपको, महाराज साहब मुझे धन्यवाद मत दो, हिंदुस्तान में कहीं भी आग लगती है बुझाने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ और आप बोलते कि आपको धन्यवाद है। गुरुदेव आप जैसे संत से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, हिंदुस्तान में कहीं आग ही न लगे फिर बुझाने का प्रश्न ही कहाँ आता है। एक ऐसा आदमी कहीं आग न लगे उस दिशा में प्रयास करने वाला, 5 साल में ड्राइवर ने एक दिन छुट्टी नहीं ले रखी। प्रणब मुखर्जी ने, राष्ट्रपति ने जब लास्ट दिन गए तब उसने कहा, नरेंद्र भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट हो चाहे ईरान का हो चाहे रशिया का हो, हर प्रेसिडेंट थोड़े दिन की तो छुट्टी लेते, अब भी तो लेते चलो। और नरेंद्र भाई ने जब 5:30 बजे मुझे बात की तब मैंने कहा, नरेंद्र भाई इतनी सुबह में आपकी इतनी फ्रेशनेस, तब नरेंद्र भाई का कहना था, गुरुदेव 3 गुजरात का सीएम था तब एक जिम्मेदारी अलग थी, आज हिंदुस्तान का पीएम हूं और पूरी दुनिया के साथ अटैच होना है, मुझे सोना नहीं जमता गुरुदेव, बैठना ही पड़ेगा जागना ही पड़ेगा और मैं फ्रेश हूं, परमात्मा की और गुरुदेव की मेरे पे कृपा है। और मैं इतना कहना चाहता हूं, जो ड्राइवर सेफ चलाता है आपको सुरक्षा देता है वो इतनी महत्वपूर्ण बात है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ड्राइवर को ड्राइविंग का बहुत अनुभव है। 15-15 साल तक उसने शायद फियाट चलाई, अभी ये BMW चला रहा है। जो गुजरात का सीएम था तब उसने 15 साल फियाट चलाई, अब दिल्ली का पीएम बनकर और BMW चला रहा है और 130 करोड़ को सुरक्षा दे रहा है।